तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आज आप सभी के लिए कर रहा हूं ईगल कॉन्सेप्ट्स। गाइस तो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस आप सभी को इसके लिए करना है कुछ बैकग्राउंड पेंटिंग जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिस सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सिंपली आप वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो बहुत ही सिंपल है एंड गाइस इजी मैंने आप सभी के लिए बनाई है। एंड बस थोड़ा सा मतलब की थोड़ी मेहनत की जरूरत है, बस आप थोड़ा मतलब वीडियो को ध्यान से देखो ना तो समझ जाओगे। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। एंड गाइस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आप सभी को पता ही होगा 2000 सब्सक्राइबर के हम कितने करीब हैं। तो नीचे आप सभी को दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको ये एडिटिंग करनी चाहिए, और या फिर आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी करें और सीखें तो उनको भी शेयर कर देना। एंड अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, यार मैं थोड़ी इधर आ जाता हूँ। इधर साइड में आप सभी को दिख ही रहा होगा कि मेरा इंस्टाग्राम की आप देख लीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम अगर आप सभी को मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। एंड एक बार मेरे अकाउंट को जाकर चेकआउट जरूर करना है। मैं शायद कि आप सभी को मेरी आईडी अच्छी लगेगी तो यार आप मेरे को फॉलो भी कर लेना। तो चलेगा बिना रुकावट किसी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले आपसे करना है, गाइस देखिए पहले इस बैकग्राउंड को आप सिंपली डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। एंड गाइस उसके बाद जाना आप सभी ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को लेना है, ठीक है। तो मैंने मॉडल का जो बैकग्राउंड है ना पहले से रेस कर रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने बैकग्राउंड को रेस कर रखा है। एंड जिसका बैकग्राउंड इसका नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक दे रखा, आप दोनों को देख लेना। मैंने दोनों में अच्छे तरीके समझा रखा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप रेस कर लेना। एंड गाइस बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि यार थोड़ा मतलब कि मेरे यहाँ थोड़ी मॉर्निंग से मतलब इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो इसलिए तो गाइस कोई नहीं आप इग्नोर करना। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इस ईगल का कौन सा ईगल का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो ये ईगल का पीएनजी इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सिंपली देख डाउनलोड कर लेना। एंड इसको आप सिंपली आपको अपने हैंड के पास लगाना है। एंड गाइस अगर आप ऐसा पोज देते हो तो गाइस आपकी मर्जी, आप जैसा पोज देना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको लेने के बाद गाइस आप सभी को जाना ड्रॉ टूल में, इसके हम शेडो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें ब्रशेस में जाएंगे एंड गाइस ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस की ओपेसिटी रखेंगे हम 10 तक, ठीक है, गाइस 10 तक रखेंगे। एंड जूम करेंगे एंड ये ईगल के पैरों के नीचे हम यहाँ पे बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा पेंट करते हैं हल्का हल्का। तो गाइस देखिए शेडो हमारी क्रिएट हो रही है। तो गाइस इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ से तो गाइस हमारा काम हो गया। उसके बाद गाइस आप सभी को इसके ब्रशेज में जाना, नहीं पहले एक इम्पिटी लेयर बनानी गाइस, ओके। सो इम्पिटी लेयर बनने के बाद ब्रशेज में जाना, इसके हार्ड उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 100 कर देना है। एंड गाइस एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। सो गाइस इसके बाद जाना आप सभी को ट्रांसफॉर्म में। तो गाइस पहले मैं फोन को अपना रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस ट्रांसफॉर्म में ना मेरे को थोड़ा मतलब कि मेरे में थोड़ी दिक्कत है यार पिक्सआर्ट में। तो मैं इसको ऐसे रोटेट करके आप सभी को इसको जूम करना है और ट्रांसफॉर्म करके आप सभी को सिंपल इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा देना गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको जूम जूम करके ब्लैक ब्लैक हो जाए, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ से गाइस आपको सभी को सिंपली डन करना है गाइस, ठीक है। तो डन करने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना है गाइस, इसके बाद आप सभी को मैं थोड़ा सा गाइस ना फेस स्मूथ करता हूँ गाइस, वैसे मैंने कर रखा है एंड गाइस मैं थोड़ा और करूँगा। तो गाइस यहाँ से जाएंगे ब्लर में, ब्लर में जाने के बाद गाइस हम जाएंगे रेजर में एंड यहाँ से हम इन्वर्ट कर देंगे, ब्रशेस में जाएंगे एंड गाइस इसकी हार्डनेस को कम करेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे एंड गाइस साइज को भी कम कर देंगे गाइस, ठीक है। एंड ऐसे जूम कर करके हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पेंट करेंगे गाइस, ठीक है। तो अपने पूरे फेस पे आप सबको जहाँ जहाँ स्मूथनेस नहीं हो वहाँ वहाँ पे आप पेंट कर लेना। अगर जब आप सभी को करना क्या है, सभी को इसका जिसमें करनी है हमें कलर करेक्शन, ठीक है, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जैसे जाएंगे हम ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद जैसे हम फोटो को करेंगे सेव एंड सीधा ड्रॉ टूल में चलेंगे। तो गाइस यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं था चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यार आप सभी को मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि यार हम 2000 सब्सक्राइबर का बहुत करीब था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं। दिन में 2-3 कंटेंट मैं डालते रहता हूँ आप सभी के लिए, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, फोटो को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है, ऑल फोटोज में से। एंड ऑल फोटोज में जाने के बाद गाइस सेव करना है गाइस, लाइट वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को कम करना है, शेडो को कम करना है, ठीक है, शेडो थोड़ा सा कम करना है, ब्लैक को भी कम करना है, ओके गाइस। एंड जाने नीचे वाला टूल में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है आप सभी को, मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर में जाना है, सैचुरेशन को कम करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, ओके गाइस। एंड ऐसे कर देना डन। एंड गाइस जाने नीचे वाले टूल में क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड थोड़ी सी वीकनेस डाल लें हल्की सी। एंड उसके बाद गाइस आपसे ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, नीचे वाले टूल में जाना है गाइस, ठीक है, फोटो शार्पनेस को बढ़ाना है, नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाना है एंड कलर रिडक्शन को बढ़ा देना है, ओके गाइस। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।